चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक छोटा सा पहला सा क्वेश्चन हम करेंगे कैपिटल बजटिंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वाले पार्ट से। इसमें एक छोटा सा थॉट आपको सिखाना है, बस उस चीज के लिए ये क्वेश्चन पिक किया जा रहा है, ठीक है? चलो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 8 मॉड्यूल से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो एक बार, फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। चलिए, नव संजीवनी हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेस अ मशीन फॉर मेडिकल प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी विच इज प्राइस एट 2 लाख रुपीज। तो कॉस्ट कितना है मशीन का, 2 लाख रुपए। द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 ईयर्स एंड हैज एक्सपेक्टेड सल्वेज वैल्यू ऑफ 18,000 एट द एंड ऑफ 8th ईयर। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन इज 22,500। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर्स, ठीक है? Presently, the hospital is outsourcing the radiography work to its neighbor test center and earning a commission income of 36,000 per annum net of taxes. Net of taxes. क्या बोला है? Net of taxes. Okay. ठीक है, अब देखो करना क्या है। अगर आप लोग फिलहाल जो चल रहा है ना, आपके यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको आप बाहर रेफर कर रहे हो, उनसे ना 36,000 आफ्टर टैक्स कमा रहे हो। टैक्स जाने के बाद जो आपको मिलता है वो है 36,000। अगर बेटा आप खुद की अपनी मशीन सेटअप कर लोगे तो पेशेंट को बाहर भेजोगे कि खुद के हॉस्पिटल में ट्रीट करोगे, खुद के हॉस्पिटल में ट्रीट करोगे, तो जो बाहर भेजने वाला इनकम था अपना वो क्या हो जाएगा, गायब। तो क्या इसको अपन ओपो कॉस्ट बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं? अब चलो, हाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में टैक्सेशन दिया है तो आपको ना मेन काम इसमें CFAT ढूंढ के लाना है, मेन काम। बाकी इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, सिर्फ थॉट था जो अपन ने यहां पे लिख लिया वो मेन था, और CFAT ढूंढना है, बस ये एक मेन काम है, राइट? अच्छा, उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, यहां पे टैक्सेशन दिया है। अब टैक्सेशन दिया है ना, तो देखा जाए तो इनकम टैक्स के हिसाब से अपन ने WDV मेथड लेना चाहिए। अगर वो दिया होता तो क्वेश्चन को सॉल्व करने को थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ा होता, लेकिन यहाँ पे WDV मेथड अडॉप्ट नहीं किया है। सजेस्टेड आंसर जो इंस्टीट्यूट का उसमें है ना SLM यूज किया है, अपन भी वही करेंगे। अगर SLM यूज करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, हर साल CFAT सेम आएगा, अलग अलग आएगा? सेम आएगा, तो वो एन्यूटी का क्वेश्चन हो जाएगा, परपेचुटी का नहीं, एन्यूटी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ना मतलब इस क्वेश्चन में पूरा दम सिर्फ लगाना है CFAT ढूंढने के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर 2 मिनट का काम। चलो रेडी, फटाफट हेल्प मी आउट, क्या क्या करना है आपको। देखो, इफ आई गो थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग वे, मैं यहां पे लिख लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो, ठीक है? फिर मैं यहां पे लिखूंगा अपना हमेशा जैसे लिखता हूं मैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहला सीरियल नंबर क्या है मेरे पास, सेल्स रेवेन्यू है क्या, मतलब इस मशीन से कितना जनरेट करेंगे अपन, 1,20,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है क्या आपको, बाईस पाँच सौ, ये गिवन है, राइट? अब दूसरा डेप्रिसिएशन, बाय SLM, हाँ कितना है, 2 लाख का मशीन है, 18,000 रुपया सल्वेज वैल्यू है, 8 साल का लाइफ है, कितना आएगा, 22,750। चलिए, 22,500 प्लस 22,750 इज इक्वल टू 45,250, तो ये माइनस कर लेना रेवेन्यू में से, 74,750 ये आ गया आपका EBT। टैक्स तो है नहीं इसमें, ये तो है नहीं ना, इंटरेस्ट तो है नहीं, EBT ले ले इसको डायरेक्टली, ठीक है? फिर माइनस करेंगे अपन टैक्सेस, कितना है, एट द रेट 30% इंटू
22, 425 माइनस कर लेंगे, फिफ्टी टू थ्री ट्वेंटी फाइव। ओके, ये क्या है आपका पैट या तो ईएटी, क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या तो ईएटी, राइट? यहां तक ठीक है। हाँ, अब वो डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम है, हाँ, तो वो ऐड बैक करना है मेरे को, तो ऐड बैक कर लिया है डेप्रिसिएशन, ऐड बैक डेप्रिसिएशन। बाईस सात सौ पचास प्लस 22,750, 52,325 प्लस 22,750 कितना आया? 75,075। तो ये आ गया सी एफ ए टी। बट ये क्वेश्चन जिस चीज के लिए सॉल्व किया है वही चीज अभी पेंडिंग है। क्या है? तुम अगर रेडियोलॉजी सेंटर चालू करोगे तो बाहर पेशेंट नहीं भेजने वाले, तो वहां से आने वाला इनकम क्या हो जाएगा? बंद। और वो आफ्टर टैक्स इनकम था, अपन भी अभी आफ्टर टैक्स वाले पॉइंट पे है, तो अपन क्या कर लेंगे, यहां पे लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेफरल फीस, माइनस 36,000 करो, कितना आया? 39,075। मतलब देखो अब अपने लिए इनकम इतना ही हो रहा है, बट देखो डेफिनेटली है ना 36,000 से ज्यादा हो रहा है, तो मैं ये बोल दूं कि प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। 3,000 रुपये का फर्क गिरा है पर मंथ। थर्टी सिक्स थाउजेंड अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रेड कलर में मैंने लिखा है। देखो अब 36,000 से ये ज्यादा है तो ये करना ही चाहिए, समझा गया? या फिर 36,000 से ये ज्यादा है तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब कैलकुलेट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है इस प्रपोजल का, ठीक है? हाँ, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है बेटा, ऑल गुड। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है, और देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, कितना पा रहे अपन? 75,000, 75 रुपीज, इतना पाने के लिए अपने को क्या खोना पड़ेगा? 36,000 खोना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है अपने को? 39,000, समझा? कुछ होना ही पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, ये समझ के चलो, ठीक है? नेक्स्ट, जैसे तुमको सीए का डिग्री पाना है ना, तो चैन सुख सब खोना पड़ेगा बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सी एफ ई टी फॉर इवेल्युएशन। अब बेटा इसको क्या एन्यूटी कंसिडर किया जा सकता है? कितने दिन के लिए? 8 साल। चलो एक काम करो, वर्किंग नोट नंबर टू, वर्किंग नोट नंबर टू क्या करना है यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, चलो ईयर पर्टिकुलर्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, कितना परसेंट का है आपको डिस्काउंटिंग? 10% आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फैक्टर्स उन्होंने दे रखे हैं। अब देखो यहां पे बनाना कैसे इसको, मुझे एक बात बताओ, ये मशीन से आपको क्या क्या फायदा हो रहा है, ये मशीन खरीदने से आपको क्या क्या फायदा हो रहा है? एक तो ये ऊपर वाला जो अपन ने वर्किंग नोट किया, ये जो है ना, ये फायदा हो रहा है अपने को, 39,075 ये फायदा हो रहा है ये ले लेने का, हाँ इतना फायदा हुआ। अब बेटा ये 1 साल हुआ कि पूरे 8 साल हुआ? पूरे 8 साल, तो यहाँ पे लिखो 0 से 8, 0 से 8 मतलब यहां पे अपन जो लिखेंगे ना, ये क्या लिखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर,
हाँ, उसके बाद में 8th ईयर में देखो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, वर्किंग नोट नंबर 1 से आखिरी का पॉइंट आए, एंड स्क्रैप वैल्यू एक मिलने वाला है। स्क्रैप वैल्यू भी मिलेगा कितना? 18,000। चलो इतना तो निकाल लो, पहले पहले इतना निकाल लो। कैलसिस प्लीज, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू स्टेप नंबर 10 तक, वहां पे ही लिख लो। पॉइंट दिया हुआ है क्या उन्होंने? तो फिर डायरेक्टली ले लो। 0.466 दिया हुआ है तो वो ले लो, 0.667। ये दिया हुआ है, फिर जीटी कर लिया तो 5.33। मॉड्यूल में जो दिया है वो ले लेंगे, मतलब अगर क्वेश्चन में रेडीमेड फैक्टर्स दिए ना, सबकी टोटल करके ले लो। चलो ठीक है, अब इनटू 39,075 एम प्लस, ये आएगा 2,08,462, 26,62 ना, 62, 62 आया मेरा, तुम्हारा 26 आएगा। ठीक है, थोड़ा राउंडिंग अप का डिफरेंस, हाँ थोड़ा राउंडिंग अप का डिफरेंस है। ओके, एंड 0.467 इंटू 18,000 एम प्लस अगेन, तो 8,406। फिर कर दिया एमआरसी, बोले तो इसका वैल्यू ऑफ द असेट कितना आएगा बेटा? ये लिख लो यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द असेट बी, इनिशियल आउटफ्लो कितना है 0th पीरियड में, तो क्या एनपीवी पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, एनपीवी पॉजिटिव है। हाँ, तो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक है, और पीआई से इसका आंसर निकाल सकते हैं अपन। ये आंसर नंबर 1 रहा आपका, आंसर नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये वाला। हाँ ठीक है, ये रहा आपका आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 पीआई, पीआई कैसे निकालोगे? ए डिवाइड बाई बी, 2,16 डिवाइड बाय 2 लाख, तो कितना आया? 1.08। ठीक है, डन, इजी। सिर्फ थॉट समझ के लेने का क्या है, और वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला थॉट है, ये आगे के एक क्वेश्चन में आपको लगने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड। यू मे कमेंट ऑन दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। वी आर कमिंग अप विथ मोर सच वीडियोज, एंड मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट लर्निंग इज अ फन, आसान लगे इस तरीके से हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।